alaikum, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं हाजिर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ. जनाब हमारी सुबह हो चुकी है. वो लग बात है कि हमारी सुबह दिन के 2 बजे हुई है क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो रात को जाग रहे थे, तो अभी सुबह सोए हैं. तो मैं भी बस थोड़ा सा सोई हूँ, उसके बाद मैं उठ गई बिकॉज काम भी तो करने होते हैं ना. एंड यहाँ मैंने नाश्ता बहुत सिंपल रखा है क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था, तो बस नाश्ता ऐसे ही नाम का ही करना था, लेकिन करना ज़रूर होता है क्योंकि जो आपने आगे काम करने हैं उनके लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए ना. तो यहाँ पर मैंने एक अंडा बॉयल कर लिया, 2 खीरे ले लिए और ऑरेंज जूस, और मैंने एक वेट लॉस ड्रिंक जो है वो डिस्कवर किया था. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी बता दूँ कैसे बनता है. तो हमने यहाँ पे नीम गर्म पानी ले लेना है, नीम गर्म पानी लेना है, ज़्यादा गर्म ना हो. उसमें हमने तुत मलंगा डाल देना है, उसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको 15 से 20 मिनट के रखेंगे. उसके बाद इसमें हम जो है चीज़ें ऐड करेंगे. अब ये हमारा तुत मलंगा जो है वो जितना इसने पानी जस्ट करना था कर लिया है, इसको मिक्स कर देंगे. और इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो नींबू का रस, जो कि मैंने अभी निकाला है नींबू में से, मतलब एक हाफ नींबू आप इसमें निचोड़ लें अगर आप, क्योंकि मैं आप लोगों को 1 टेबल स्पून इसलिए बता रही हूँ ताकि अंदाज़ा रहे. और उसमें शहद की बॉटल कितनी प्यारी है ना, तो इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून शहद ऐड कर देंगे जनाब. एंड हमारा ड्रिंक रेडी है बिल्कुल, और इसको आप लोग ऐसे पी लें, मॉर्निंग में पिए, और ये बहुत अच्छा होता है वेट लूज़ करने के लिए, बहुत इसके फ़ायदे हैं. आप लोग 3 डेज में भी 10 पाउंड जो है वो लूज़ कर सकते हैं इससे, एक एस्टिमेट बता रही हूँ. उसके बाद हो गया जनाब खाना बनाने का टाइम. तो आज मैंने करेले बनाए. करेले मैं कैसे बनाती हूँ, मैं जो हूँ सबसे पहले करेलों को इस तरह छील के कट करके 30 मिनट के लिए नमक में मिला के रखती हूँ. फिर उसको धो के हमेशा फ्राई कर लेंगे. फ्राई में देख लें कि भाई इतने फ्राई होने चाहिए, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वो फिर यू नो जल जाते हैं, लाइक उनका टेस्ट नहीं रहता. उसके बाद हमने प्याज टमाटर ऑयल में जो है वो सॉटे कर लेने हैं. चिकन डाल देंगे, मैं कंदो और कद्दू में चिकन डालती हूँ क्योंकि उससे एक टेस्ट डिवेलप होता है. यहाँ लहसुन जो है वो मैंने ऐड कर दिया है, तकरीबन 4 से 5 जवे थे लहसुन के. और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें नमक ऐड कर दें, 1/2 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर. और मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन रेडी नहीं हो जाता. उसके बाद इसमें जो हमने फ्राई किए थे करेले वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके ताकि मसाले वसाले सब इसमें मिक्स हो जाए. इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करने के बाद हल्का सा इसको हिला के इस पर ढक्कन रख के आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है, पहले तेज़ आंच और फिर हल्की. और उसके बाद जनाब ये ऐसा दिखेगा, ऑलमोस्ट पक चुका है हमारा खाना. हमें सिर्फ पानी इसमें से सुखाना है. हम पहले इसको जो है तेज़ आंच पे इसका पानी सुखा लेंगे. जब पानी ऑलमोस्ट सूख जाएगा तो इसका हम चूल्हा स्लो कर देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए. जब ऑयल ऊपर आ गया इट मीन्स हमारा सालन रेडी हो जाएगा. यहाँ मैं इसको ज़्यादा हिला नहीं रही बिकॉज हमारा चिकन पका हुआ है. अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा यूं घोटूंगी तो वो हमारा चिकन अलग-अलग हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट. तो इसको हमने यहाँ ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस हमने सिर्फ पानी सुखाना है, तो पानी सुखाने की हद तक रखेंगे. एंड यहाँ हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारा सालन रेडी हो चुका है जनाब. सैलेड के साथ इसको सर्व करें, एंड नम 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 नम. इसके बाद जनाब हम जो हैं, नहीं उसके बाद प्याज मैंने सफाई की थी, फिर हम उसके बाद निकले हैं घूमने फिरने. तो आज सर यार बाहर जाना चाहिए बिकॉज बच्चे जो हैं वो घर में रह रहे के यू नो उनकी नशोनुमा सही नहीं होती, तो उनको बाहर लेके जाना इज़ अ मस्ट. और लुक एट द फुल मून यार, ऑसम व्यू था, बादल चांद दरख्त बहुत आला लग रहा था. बहरहाल बहुत इंजॉय किया, लेकिन हवा नहीं चल रही थी, थोड़ी सी हबस थी बादलों की वजह से, तो मुझे तो इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया. लेकिन माज इन साथ फुल मूड में उन्होंने जो है वॉक भी की और खेला भी और बिल्लियों को भी तंग किया, और बेबी तो बहुत ही ज़्यादा शरारती है यार, वो तो बिल्कुल बात भी नहीं सुनता, काबू में ही नहीं आता, उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है. वो बस वो चाहता है कि मैं भागता रहूँ ऐसे.
بہر حال بچوں نے تو بہت مزہ کیا اور ہمارا دن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ایسی لائف ہے سعودیہ کی, یہی روٹین ہوتی ہے زیادہ تر. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں, لائک کا بٹن دبانا مت بھولے گا اور ایک طرح سے کمنٹ کر دیں. سی یو سون ود اے نیو ولاگ. اللہ حافظ.